दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हमें कम्युनिटी टैब दिया जाता है, और उसी कम्युनिटी टैब में हम किसी भी लिंक और किसी भी वीडियो और किसी भी थंबनेल को हम शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी टैब पर। और उसी कम्युनिटी टैब में हमें एक और मजेदार फीचर देखने को मिल जाता है, तो उसका नाम है रीपोस्ट। ये रीपोस्ट होता है क्या, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, रीपोस्ट होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी पोस्ट को आज से 5-6 दिन पहले पोस्ट किया है और उसी को आप दोबारा करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज हमारे सभी जितने भी कम्युनिटी टैब है यूट्यूब पर, सबको ये फीचर मिल गया है। तो आज हम किसी भी हम पुराने जो हमारा पोस्ट होता है उसे हम रीपोस्ट कर सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया पर हम इसे शेयर कर सकते हैं, और किसी भी यूट्यूबर्स के जो भी पोस्ट होते हैं उनके कम्युनिटी टैब के, उसी को हम अपने कम्युनिटी टैब पर भी लगा सकते हैं, और उनके भी किसी भी पोस्ट को हम कहीं पर भी पोस्ट यानी कि शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहना, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीपोस्ट को हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप अभी तक रीपोस्ट को नहीं देखे और आपने अभी कम्युनिटी टैब पर जाकर नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, आपके भी कम्युनिटी टैब में ये फीचर आ गया और इसे यूज कैसा करना है, तो इस वीडियो में जुड़े रहना। तो आपको बताता हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल पर आ गया। आने के बाद यहाँ से मैं कम्युनिटी टैब पर चले जाता हूँ। तो ये देखिए, कम्युनिटी टैब पर मैंने आ गया। आने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे जो पुराने पोस्ट है उसको मैं दोबारा रीपोस्ट करता हूँ। तो यहाँ से आ जाता हूँ नीचे, सबसे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ से, तो देखिए इस वाले पोस्ट को मैं करता, तो यहाँ देखिए हमें रीपोस्ट का हमें यहाँ फीचर दिया गया। ये देखिए, आपको शेयर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी को हमें यहाँ से टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, शेयर पोस्ट एक हो गया और कॉपी लिंक हो गया। कॉपी लिंक करके आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। और जो ये शेयर पोस्ट है इसको हम कुछ इस तरह से यहां से मैं प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए, से समथिंग अबाउट दिस पोस्ट, और यहाँ हम कुछ भी लिख लेते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं, इसे वॉच करिए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लिखने के बाद हमें सिंपली करना क्या होता है, यहाँ से मैं इसे पोस्ट कर लेता हूँ। तो ये पोस्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट हो गया है, पोस्ट शेयर्ड, और यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट होता है ऊपर की तरफ आ गया, बहुत ही नीचे था, ये बहुत पुराना पोस्ट था हमारा। अब मैं इसे रीपोस्ट कर लिया तो ये सबसे ऊपर आ गया है। तो इस फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्ले स्टोर पर जाके कम्युनिटी टैब पर चले जाता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है, और इसके नीचे हमारा जो पुराना पोस्ट होता है वो भी रहता है, और जो हमने ये रीपोस्ट किया है ये भी आ जाता है। तो हम किसी भी यूट्यूबर्स के भी पोस्ट को हम अपने कम्युनिटी टैब पर लगा सकते हैं और कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक हमें मजेदार फीचर दिखा इस कम्युनिटी टैब में, तो इससे हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का है, तो आपके भी कम्युनिटी टैब पर होगा तो जाकर देख लेना, इसे कुछ इस तरह से यूज करते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलिए फिर मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में।